और आज उस स्टेज पे हम और और, और बहुत सारे आर्टिस्ट इस रीजन के परफॉर्म कर रहे होते हैं जो कि मुझे अच्छा लगता है इसका कतई ये मतलब नहीं है कि और कोई आर्टिस्ट परफॉर्म ना करे आर्टिस्ट पंजाब का भी करे उर्दू भी करे पश्तो भी करे और करते हैं हमारी लाउती के स्टेज तो सारे आर्टिस्ट होते हैं साथ साथ ये एहसास भी हुआ कि नहीं आपके अपने जो देश के आर्टिस्ट हैं उनको भी यू you नो know, एक स्पेस मिलना चाहिए ओनरशिप लेनी चाहिए लेनी चाहिए तो हमारे इस खिते के आर्टिस्ट के अंदर ये कॉम्प्लेक्स थी उनके पास ये था कि उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता बल्कि उनको तो डिग्रेड किया जाता है अनफॉर्चुनेटली उनको बस यूज़ किया जाता है मिली नगमों में कौमी तरानों में टी वी मॉर्निंग शोज के प्रोग्राम्स बट वो गाते क्या है उसमें इंटरेस्ट है नहीं वो पहनते क्या हैं इसमें इंटरेस्ट है कि हम अपने हमेशा ही हमने अपने आर्टिस्ट से प्यार किया पर जब जब यू you नो know, एक विथ प्लानिंग और विथ टू तो चैलेंज दिस इंडी जीनियस नैरेटिव और जब एक आर्टिस्ट तो मासूम होता है किसी भी रीजन का पर जब उसको भी एज अ टूल ढाल के तौर तो पर इम्पोज किया जाता है तो हमारे इस खत्े के अंदर फिर हमारी जो एक ऐसी फोर्सेस हैं जो प्रोटेक्ट करना चाहती हैं हमारे इस रवादारी को हमारे कल्चर को चीज़ों को हमारी म्यूजिक को वो भी एक्टिव हो जाती हैं यहाँ का पॉलिटिकल विजडम भी एक्टिव हो जाता है यहाँ का विजडम भी एक्टिव हो जाता है सब लोग आ जाते हैं और इट इट रिमेंस ट्राइज रादर बन जाते हैं और वो वो फिर रेजिस्टेंस आती है उसके अंदर ना? इसका मतलब रास्ता रोक नहीं करना होता किसी और पॉलिटिक्स का आर्ट का या मजहब का नहीं बट द वे वी सी इट हम उसको भी फेड आउट नहीं होने देते ये हमारी एक है इस खत्ते की नहीं और ये आई थिंक बड़ी अच्छी बात है और मैं ख़ुद इसको काफ़ी ज़्यादा महसूस करता हूँ यू नो आई फील कि अब जब कभी हमें लगता है कि कहीं समंदर पल्यूट होते हैं तो दिल करता है कि यू you नो know, जितना हम महसूस करते हैं वो अवेयरनेस शेयर करें स्पीक अबाउट इट नॉट ओनली विद पब्लिक बट थ्रू फेस्टिवल हम इसको हाईलाइट भी करें और जहाँ जहाँ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं पॉलिसी मेकर्स के साथ पॉलिटिशियंस के साथ उनसे बात भी करें उनको भी सेंसिटाइज करें इस चीज़ पर जैसे एक पोइट्री अभी मैंने हमने कंपोज की उसके थे के समूरो ही तसबरा, समूरा ख्वाब ही है यहाँ, हायातीय जे किताबंजा अधूरा बाब ही है यह, रुगोवा रश रोडन ते दिलन में घेतन में बेदिली आ करियां तो प्यार तन्हा मा मोहबत है के आए लिए, आए। है। इसकी एक न, अगर हम उर्दू में जस्ट ट्राई टू तो एक्सप्लेन कि ये सब तस्वर ही तो है ही तस्वर तो है।, है और सारे ये ख्वाब ही तो हैं ये जिंदगी उम्र हयाती की कि किताबों के सब अधूरे बाब ही तो हैं चैप्टर अधूरे ही तो हैं कहाँ मुकम्मल है। सिर्फ रोडों पे रश हो गई है और गलियों में तो बेदिली है आए हाय और प्यार तो मैं कर रहा हूं मोहब्बत अकेली वाह। अच्छा सैफ जो ये प्रोसेस है आपने कहा कि फितरत से करीब होना तो अक्सर मैं देखता हूँ या अक्सर आपसे बात होती है और आप कहीं पहाड़ों की तरफ निकल गए हैं या कहीं दरिया की तरफ निकल गए हैं तो ये फितरत से करीब होना कितना अफेक्ट करता है इस तख्लीकी प्रोसेस को जो जहाँ रहता है उसकी साहर तबीयत में वो चीज़ ही रिफ्लेक्ट करेगी लाइक जिस तरह की पोइट्री मैंने रिसाइट की ये मुझे अच्छी लगती है ख्याल तस्वुर और जितना लोकल आ, लाइफ के वर्ड्स होंगे या जो जो चीज़ें मैं देख रहा होंगा तो वो ही झलकेगी ट्स दैट्स अ वेरी सिंपल रियालिटी आई रिमेंबर वंस आई वॉज मोर यू नो गोइंग श्राइन्स एंड मीटिंग फ्रेंड्स जो कि ज़्यादातर सूफ़ी रिबेल इस तरह के ख्याल डिस्कशन में लाते थे तो उस दौर की मुझे याद है म्यूजिक में सूफी व सरबस्ता एक इंसान जो गी और पता नहीं कितना एक यू नो सो मैनी डजनस ऑफ सॉन्ग तो वो मेरे गर्द जो उस दौर के सर्किल थी जो मेरे ख्याल थे वो उस पूरे उस दौर के म्यूज़िक के अंदर रिफ्लेक्ट करते हैं और वो मेरा बड़ा बड़ा रेबेल टाइम है तो आई रिकॉल के मैं जिस तरह की संगत में उठता बैठता था वो रिफ्लेक्ट कर रही होती आज वो माहौल रिफ्लेक्ट कर रहा होता था बिल्कुल क्योंकि बातें वही थी तो मैं उसी के ही गिरद अपना ख्याल ढूंढूंगा ना हम ऐसा नहीं है कि हम किसी एक एक ही आ, बॉक्स में बंद हैं hmm. हम जितना ख़ुद को एक्सपेंड करेंगे और जितना हाथ खुले रखेंगे उतना वी विल हैव द मोमेंट वी क्लोज तो वी कैन नॉट हैव एनी वी हैव टू ओपन अवर हैंड तो अब कुछ सालों से जब मैं ज़्यादा गाँव जाता हूँ तो मुझे लगता है कि वहाँ की जो लोकल लाइफ है वो बहुत असर करती है उस तरह की पोइट्री मुझे अच्छी लगती है इसी पोइट्री के अंदर एक लव्स है चढ़ी माँ डांद अच्छा आ, मा गाड़ी ते अच्छा कुछ वेझड़ो हो हवाओं के हिंदोरे से दया माँ लोडड़ो हो मना मैं उस बैलगाड़ी पे चल के उस गांव जाऊँ उसके जरा नज़दीक और फिर इस हवाओं के झूलो झूले पे उसको बिठा के जरा अब इसके अंदर ख्याल तो है पर साथ साथ हमने ऐसे देखे भी तो है ना बैलगाड़ी पे चढ़ जा के जाते शहरी है कि हवाओं ते हले नजर कुछ कौन पे आयो सजन रस्तों सजो तुझो सनी के तार वांगे हो कि मैं हवाओं पे चल रहा था नजर तो मुझे कुछ नहीं, नहीं, नहीं ए, मेरे दोस्त ये सारा रास्ता जो तुम्हारी तरफ आ रहा था ये बड़ी पतली सी तार के तरह था आ है है, तो ये दीज, दीज दीज थिंग आ ये, लव आर आ, इसी दौरान जैसे है, आ, नींद की नया पर एक सपना दूर तलक ले जाए मैं तो हवा की बाग पकड़ कर तेरे दर पर आऊ हाथ में चांद कटोरा लेकर खुद को भर कर लाऊ तुझको प्रेम पिलाकर वापस उड़ती उड़ती जाओ वाह वाह सीने में तेरी सांसों की ऐसी सुंदर से सजाए मुझे दूर तलक ले जाए सो so, इसके अंदर ये जो आ, उर्दू और उसके अंदर कुछ हिंदी कुछ इस तरह से लफ्ज़ बने हुए हैं जो कि आपको बड़े लोकल लगते हैं लोकल लगते हैं। हाँ वो रिदम उसका खुद ही बुलाता है आप वो वो लैंग्वेज के अंदर वो लफ्ज़ों की हुआ तो मुझे लगता है मुझे इस तरह के थाट्स मुसाफिर तू के थे आई आए। मुसाफिर मन सदे तो के आए मुसाफिर रात कारी या ककर कड़काट कन के लो मुसाफिर मन वतन आ है इत ही पा मिली कचो ही बूर जवानी जो न छिरकी छाण मिली बदन की गाल बी है अखिय में आण मिली तो में तो जिया होंदस मिठा तू मान मिलंदा सी आए सो दिस 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 वर्स क्योंकि मुसाफिर अंदर है वो जब आदमी अवेयर हो जाए कि हां मुसाफिर तो है अंदर में तो फिर वो चीजें यू अच्छी लगती हैं I mean, अच्छी लगना विल मे मेक सेंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हां बट एग्जैक्टली नहीं आई गॉट इट अच्छा इसमें एक मुझे रोमांस भी नज़र आता है एक इश्क भी नज़र आता है और आ, मुझे लगता है कि बड़ा इम्पोर्टेंट है आ, इस इश्क का इस 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 रोमानीत का हाँ। जो है वो इसके अंदर होना और एक तरफ मैं सैफ़ को देखता हूँ कि जो पॉलिटिकली जो है वो आ, इतना अवेयर है और एक स्टैंड लेने के लिए हर वक्त तैयार है और सीखने के लिए उसको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे वो एग्रेशन भी दिखता है उसका ठीक है और दूसरी तरफ जो है वो इतना काम और ये रोमानियत ये एश्क, ये मोहब्बत किस तरह ये ले के चलते हैं यू मीन द बैलेंस ऑफ इट हाँ हाउ कम uh, मुझे मुझे एक इस चीज़ को लेके एक चीज़ की क्लैरिटी तो है अवल तो पॉलिटिकली uh, मैं जो कहना चाहता हूँ और जितना कहना चाहता हूँ और जिस जिस को कहना चाहता हूँ अभी तक मैं नहीं कह पाया हूँ ये मुझे एक रिग्रेट है कि मैं अपना ख्याल तो बिल्कुल नेकेड रख लेता हूँ पर मैं कह किस को रहा हूँ वो कोर्स मैं कहूँगा क्योंकि जब मैंने ये सोचा है कि मुझे कहना भी उसी को है जिसको मैं कहना चाहता हूँ पॉलिटिकली एक तो आप किसी को पॉलिटिकल एडवाइस देते हैं समझाने के लिए वो तो पॉलिटिशियन आपके दोस्त भी हो सकते हैं आप उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पसंद करते हो सद तक तो आप उनको कह देते हो कभी कभी फेस टू फेस भी मैं कह देता हूँ कभी कभी सोशल मीडिया पे भी मेरी लाइफ सोशल मीडिया पे और रियल में एक ही जैसी है कोई ज्यादा फर्क नहीं है ये मैंने अभी कुछ टाइम रियलाइज किया बट जिन जिनको में हार्ड कोर समझता हूँ कि ये ताजाद है ये। कुछ पिटेंड और कर रहे हैं और क्या कुछ और रहे हैं अवल तो अपनी ज़ात में हो तो उनका मर्जी है वो क्या भी करें पर जब वो पॉलिटिकली लीडरशिप लेके कोई आदमी बैठ जाए जहाँ प्रोक्लेम करे खुद को लीडर और खुद को कहे कि मैं जिम्मेदार उन चीज़ों का और फिर वो वोट लेके भी आए एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो फिर फिर वो अपने दरवाजे खुले रखता है तो फिर एक तो मैं मुझे लगता है कि मैं अभी जितना कहना चाहिए मैं उतना नहीं कह पाया हूँ और जिसको कहना चाहिए उसको भी नहीं कह पाया वो मैं गाऊँगा और दूसरा ये कि बहुत से ऐसी चीज़ें काजेज़ को लेके सोशल काजेज़ को लेके जिस मैं चुप हूँ काफ़ी वक्त से और जाहिर मैं वहाँ भी बोलूँगा बहुत सी चीज़ें समाज के अंदर बहुत से मामले हैं ये सारे सोशल हैं पर्सनल हैं ही तो मैं खुद को डिस्टेंस जहाँ पे मेरे पर्सनल रिश्ते होते हैं वहाँ पे मैं दूरी बनाता हूँ अगर मेरी किसी किसी को मुझे रिस्पॉन्ड नहीं है करना तो मैं अपने आप को डिसपियर कर देता हूँ क्योंकि hmm. मुझे लगता है कि इट डजेंट मैटर रिस्पॉन्ड वर्सनल वो मैटर ही नहीं करता ना ही वो फर्द या माशरा जब आपकी बात को वैल्यू नहीं करता और आपकी पोजीशन को मैनिपलेट करता है और झूठ बोलता है तो फिर आप ये करते हो कि मुझे लगता है दाइज इज के यू रिमूव योर प्रेसेंस एंड लेट द पर्सन द थिंग कीप डूइंग वाट ही शी इज डूंग एक hmm. साइड है पर्सनल लाइफ hmm. में तो ये दो चीजें कि एक सोशली hmm. एक्सप्रेस करना हंड्रेड परसेंट hmm. और जो मैं करूंगा hmm. अच्छा वैसे लगता नहीं है कि सैफ जो है वो चुप भी है अभी हमें चुप हो लगता नहीं है बहुत सी क्योंकि जिस वक्त अचानक मैं देखता हूँ ना कि सैफ ने जो है वो शुरू किया जिस तरह हम इसको देखा हमने जो थर्ड गोल वाली चीज़ थी फिर ये अभी कॉलजर वाली जो पूरा एपिसोड है या और भी देर आर डिफरेंट थिंग्स और उसमें स्टिल यू आर वेरी मच एक्सप्रेसिव विच आई फील मैंने शुरू में कहा भी कि देर आर वेरी फ्यू आर्टिस्ट और मे भी बड़ी कोई मतलब वो शायद एक दो मिसालें भी मुश्किल से जो है वो मिलती हैं तो लगता नहीं है कि सैफ चुप है मैं समझता हूँ कि मैं चुप हूँ <laughs> भी मैं आई एम स्टिल होल्डिंग ऑन और uh, मैं सीरियस बहुत हूँ इस चीज़ को लेके मैं कॉल को लेके भी था मैं आज तक इस चीज़ पे क्लियर हूँ कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड किया है इन्होंने कॉल के नाम पे और आप जब मेरे घर पर आते तब लाइट नहीं थी यूपीएस चल रहा था और सालों हो चुके हैं इस चीज़ को गोल को तो ये इन्होंने अपनी जेबें भरने के लिए अपना धंधा चलाने के लिए और बहुत इंसेंसिटिव एक्ट किया है फितरत के खिलाफ वहाँ के लोगों के खिलाफ और इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे समाज को हिला दिया है और लोगों के गांवों के गांव शिफ्ट किए जिसे रीसेटल कहते हैं पर नहीं कर पाए चार सौ घर भी नहीं कर पाए होंगे मैं समझ रहा हूँ बहुत बड़े फ्रॉड लेके आए इन्होंने यहाँ तक फ्रॉड किया कि ये इन्होंने कहा कि भई तब उस दौर में वेमेन एम्पावरमेंट विमेन एम्पावरमेंट बहुत हो रही थी तो उन्होंने ट्रक पे खातों ने बिठा दी ट्रक चला रही हैं और मुझे ये नहीं है पता कि वो कहाँ आए ट्रक चलाने वाली वुमेन आज इस वक्त और हर जगह मीडिया में वो दिख रही वो दिखाई उन्होंने मेरे शुरू के दिनों में शायद ऐसा कोई हो पर मुझे ये अभी मैं वहाँ रहता हूँ कार में तो मैं रहता हूँ मैं ज़्यादातर टाइम वहीं गुजारता हूँ और ज़्यादा थर से ही जाता हूँ थर में दोस्त तो मुझे अभी तक ऐसा कोई एग्ज़ाम्पल मिला नहीं है कि जहाँ पे कोई बहुत सारी औरतें ट्रक चला रही हों और उन्होंने एक या वो इस स्केल पे हो कि हमें दिखे फिर हाँ माना मुझे मुझे नहीं देखा कभी रोड पे तो दिखा ही नहीं पर चलो बात करने वाला मिल जाए हमने आंखों से देखा इन्होंने डिफॉरेस्टेशन की और वहाँ पे बहुत देर दर्दी के साथ लोगों को भी और उनको भी फितरत को भी जानवरों को भी नुकसान पहुँचाया जब इन्होंने वहाँ पर रोड रस्ते सड़कें बनाई तो इन्होंने इतना अक्ल नहीं आई इनको कि जिसको ये डेवलपमेंट डेवलपमेंट ये नहीं है कि ये रोड बन जाए अगर ये मुकम्मल करना है तो इसको फेंसिंग भी आपको देनी देने है। आपको ये समझना है कि यहाँ से जानवर कहा से क्रॉस करते हैं यहाँ से कैमल्स गुजरते हैं गाय गुजरती है बकरियां गुजरती हैं हिरन है यहाँ पे मोर है आप जाए यहाँ से आप देखेंगे कि किस लेवल की वाइल्ड लाइफ ये रस्ते पे मर रही है ऊट मरे हुए हैं गाय मरी पड़ी हुई हैं हिरन मरे मर जाते हैं मोर मरे हुए हैं जस्ट डोंट केयर जस्ट डोंट केयर उनको वो ठेका चाहिए था जमीन लीज करनी थी पैसा कमाना था नो बडी केयर्स जस्ट डोंट केयर अगर आप यू टेल देम दिस लाफ एट यू ये इतने इनसेंसिटिव लोग हैं कारून चार को लेके मुझे तो हैरत होती है लाइक आई कैन टेक नेम्स टू के कारों को लेके आप ने करना क्या है आप कहते हो भाई हम आवाम की भला भलाई के लिए सियासत करें आवाम की भलाई के लिए हमें पॉलिसीज बन तो वो आप आवाम से पूछोगे ना कि आपकी भलाई क्या है या आप कहोगे आवाम तो बेवकूफ़ है हम बताएंगे हम बताएंगे ये एक तरह से एक आदमी ऐसा कर सकता है एक रियासत ऐसा कर सकती है जो कि वाकई से समझती हो कि हम क्योंकि हैं ही नाकारा दोगले फ्रॉड और हमने इन लोगों को बेवकूफ करके वोट तो लिया है ना तो जब ये लोग इतने बेवकूफ़ हैं हमें लेके आ गए तो फिर इनसे पूछने की क्या ज़रूरत है तो हम वही करते हैं जो हमें करना है एक ऐसी सियासत एक ऐसा पॉलिसी मेकर में एक ऐसी रियासत ऐसा कर सकू जर के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं सड़कों पर निकले और डिकेट से ये चीख रहे हैं आज से नहीं डिकेट से जो अवेर लोग जारे पूरे कारों जर की एक लाख आबादी तो रोड पे नहीं आएगी ना कोई बेचारा वहां पे आ, माल चराने वाले लोग भी हैं मजदूर लोग भी हैं गरीब लोग भी हैं दुकानदार भी हैं वो उन्हीं के घरों के हर घर का एक एक दो दो फर्द ऐसे जो कि अपने पहाड़ के लिए अपने इन चीजों के लिए आता है सड़कों पे तो उनको देखना चाहिए कि ये पूरा शहर है ये सारे घर हैं जो शरीक हैं जो कि मैं कह रहे हैं कि हमें ये पहाड़ हमारी माँ भी है हमारा पिता भी है हमारी धरती भी है हमारा सब कुछ है हम इसी से पलते हैं इसी से पीते हैं इसी से करते हैं आप ये मत माइंड करो ये हमारा दीन धर्म भी है और ये समझने को तैयार नहीं है उनके साथ फ्रॉड करें आज टेंडर दिया कल कैंसिल किया फिर दिया फिर, फिर कैंसिल किया फिर अभी जो इंटरम गवर्नमेंट आई है ठेकेदारों को वजारतें दे दी हैं ठेकेदारों को जिनका काम भी इस पे धंधा करना है हालांकि इनका काम सिर्फ इलेक्शन कराना है और कुछ नहीं कराना करा है पर इनको खास पावर दिए हैं खास करके मिनरल्स और माइंस को खास पावर दिए और जो वजीर बिठाए हुए हैं वो इस दुनिया के सिर्फ धंधोड़ी हैं धंधा करने वाले हैं माहिर नहीं हैं महरूम है वो उनके पीछे एक पपेट की डोरी है जो पीछे उसके बैठा हुआ चला रहा है और वो वहाँ पे लोगों की आए दिन तजलील कर रहे हैं आए दिन उनके जज्बात से खेल रहे हैं जस्ट इमेजिन ये हम बिफोर कैमरा भी डिस्कस कर रहे थे कि आपके जो जहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद ने वर्शिप की है अरे रा। कार्य राम क्या उसको माइंड कर सकते हो आप सोच भी नहीं सकते हैं। सोच भी नहीं सकते ना क्योंकि सोचेंगे तो वो भी ब्लास्फेमी होगी यस वो एक सेक्रेट जगह है वो उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है रिलीजियस इम्पोर्टेंस है उसकी एक रिस्पेक्ट है उसको लेके इमोशन है सेंटिमेंट उसी तरह से कारूझर के अंदर हिंदू धर्म के जैन के सनातन धर्म के बहुत से वो सेक्रेट होली प्लेसेस हैं जो उनके तीर्थ हैं अब क्योंकि आप उनके मजहब को ही नहीं मानते उनकी सारी रीति रस्में उनके ख्याल उनके मजहब उनके अवतार उनके खुदा आपके लिए मायना ही कुछ नहीं रखते कोई हैसियत ही नहीं है तो रहे हो कि हम इसमें पैसा निकालेंगे गिरा देंगे तबाह कर देंगे आपके सरकारी रोड पे मदर से मजदे बन उसका पिलर नहीं ला सकते आप। आप इधर लोगों की जिंदगी जो के अगर वो उसको अपना मुकदस मानते हैं तो उसका पूरा रीजन है वो उनको पाल रही है माउंटेन्स उनके जानवरों की चरा गायें बहुत घास उगती है अलग अलग किस्म के प्लांट उनकी जिंदगी है और वो ही उनकी, उनकी पोइट्री को नहीं समझते उनके रेजिस्टेंस को नहीं समझते उनके प्यार को नहीं समझते उनके रिश्ते को नहीं समझते उनके उस ताल्लुक को वो रहे से ग्रेनाइट हम बनाएंगे पत्थर बनाएंगे अमीरों का सोचते हैं अमीरों को कैसे बेचेंगे कितनी बड़ी वैसे ट्रेजिडी है अलमिया है कि एक तरफ आप ऐसा जो है वो अपने मज़हब को लेकर सोचते हैं जैसे आपने कहा कि पिलर भी नहीं गिरा सकते सिर्फ वो सोचने पे ही आपको खौफ़ है कि आप पे ब्लास फहमी लगा दी जाएगी और दूसरी तरफ आप पूरे के पूरा कल्चर हिस्ट्री और एक वो जो एक स्पिरिचुअलिटी और जो क्या कुछ आप तबाह करने चले हो और सच ये है कि वो आ, इनके लिए सिर्फ ऑब्जेक्ट है पहाड़ है पर आई टेल यू आ, मैं जब वहाँ पे रहता हूँ सामने तो मैं आ, इतना महसूस कर पाता हूँ उन उन लोकल जो वहाँ के लोग हैं कि वो पहाड़ वाकई बहुत सेक्रेट है वाकई बहुत कारों सर बहुत पावरफुल है कुछ है जो कि जिंदा है उसके अंदर कोई एनर्जी कोई बाय वो वो बड़ा जिंदा फीलिंग था हाँ। यहाँ पे तो ये बहुत से पहाड़ों को मार चुके हैं ये सारा खीथर ये मारे जा रहे हैं पहाड़ों को दे आर कीप किलिंग इट और दरिया को पल्यूट कर चुके हैं मार चुके हैं एक्चुअली ये चीजें जिंदा हैं पूरे पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है उधर हमारे मार्केलास के साथ तो ये हो रहा है सो ये चीजें जिंदा होती हैं अब ये समझेगा कौन जो कि अलाइव खुद जिंदा होगा वो समझेगा ना ये एक पहाड़ नहीं है एक अलाइव चीज है जहां से पानी आ रहा है जहां पे घास उग रही है जहां पे एग्रीकल्चर हो रहा है उस पानी से जो खा पी के वो लोग जिंदा हैं तो इसका मतलब है वो चीज़ जिंदा है ना ये, ये वो जिंदा है और कितनी और मखलूकत को वो जिंदगी दे रही है दे रही है और हमसे करोड़ों साल पहले से है यहाँ से ऐसे भी नहीं है नहीं। और फितरत को ये बनाने में कोई लाखों करोड़ों साल लगे बेशक और इनके लिए बस एक मजाक है तो मैं समझता हूं कि इस पे में आई वोट बेकआफ इन माई इंडिविजुअल कैपेसिटी आई एल स्टैंड वेरी स्ट्रांगली विद कम्युनिटी एज एन इंडिविजुअल टू इसको लेकर मैं क्लियर हूं और जब मैं बोलूँगा तो मैं फिर बोलूंगा इस चीज़ को mm. और लाउड एंड क्लियर आई बी मोर क्लियर अबाउट इट सो वेयर डू यू सी पाकिस्तान नाउ कोई आपको कोई उम्मीद दिखती है इफ यू आस्क मी ऑनेस्टली दो चीज़ें होती हैं कि उम्मीद देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए एक ये है mm. और एक दिख भी रही है या नहीं दिख रही है <laughs> मुझे नहीं दिख रही है mm. क्योंकि जिनको मुल्क चलाना चाहिए जनता को चलाना चाहिए पब्लिक जिनको वोट देके भेजे और पब्लिक भी आजाद हो मुझे तो नहीं पता यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन कितने कब हुए थे या उस तो पब्लिक की सोच कितनी आजाद है वही नहीं आजाद तो बहुत काम यहाँ पे होना बाकी है अब तो वो सोच भी इतनी पॉलिटेड है आ, बहुत, बहुत बहुत तो मुझे इसमें माना उम्मीद कोई नहीं है और पर सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट यह है कि ये सही हाथों में भी नहीं है hmm. लाइक ये आ, एक मुझे लगता है कि एक अजीब एक इविल नेक्सस का हिस्सा बनना पसंद कर रहा है अपनी पॉलिसीज में अपनी चीज़ों में दुनिया में पोजीशन आप इसकी देख लें कोई हम एक नेपाल भूटान जैसे मुल्कों को भी कभी कभी देखते हैं तो वो भी एक जिंदा सोसाइटी है जिनको जिन मुल्कों को ये कुछ समझता ही नहीं इं। इं। वो मुल्क भी किसी ऐसे नेक्सेस का हिस्सा नहीं है मैं उनको कम नहीं समझ रहा मैं एक मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि हमारी सोसाइटी उनको समझती है कि हम बहुत आगे हैं वो बहुत पीछे दोस्त कंट्री जिनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है जो इतना आगे नहीं है यू नो टेक्नोलॉजी में इकोनॉमी में इन डिफरेंट सेक्टर्स बट एट वो किसी इविल नेक्सस का हिस्सा भी नहीं है वो जहाँ हैं जैसे हैं वो खुश हैं जाते हैं वहाँ तो एक पब्लिक के अंदर सेंस सेंस ऑफ ऑफ हैप्पीनेस फील होती जो हमारे mm -hmm. हमारे रीजन में मुल्क आते हैं mm -hmm. इंडिया को तो छोड़ ही मच कॉम्प्लीकेटेड इतना कंफ्यूज इतना और यहाँ के पॉलिसी मेकर वो पॉलिटिशियन या मिल्ट्री इनको मजा आ रहा होता है टू क्रिएट मोर इन सोसाइटी टू क्रिएट मोर डिजन इन सोसाइटी to make people more enemy of other countries, you know they try to promote and propagate such politicians, such ideologies. Hmm. इस चीज का एक आदमी ही अनहेल्दी उसका क्या फ्यूचर होगा hmm. वो अपनी सेहत के लिए खुद नहीं सोचेगा तो आप कितना सोचोगे hmm. अगर एज एन इंडिविजुअल I'm नॉट होपफुल एट ऑल मैं बिल्कुल भी फुल नहीं हूँ और ऐसा कुछ है भी नहीं इसके अंदर ये मुल्क कोई फर्द तो नहीं है ना कोई फर्द हो मिसाल है कि हाँ भाई ये आ, मिसाल के तौर पे एक आ, सोशल स्ट्रक्चर इसका ऐसा है जो कि अभी जा ही उस जिस राह पे जा रहा है वो तो किसी सही सिमत में नहीं जा रही किसके भी हाथ में दे दें ये दे कितना ओपनली इस पर बोले बस एज एस्टीडर मुझे नहीं कुछ अच्छा नहीं दिख रहा इस मुल्क के अंदर तो जब कोई उम्मीद नहीं है कुछ अच्छा दिख नहीं रहा तो क्या वो मोटिवेशन है क्या वो इंस्परेशन है जो आपको लेके चल रही है इसमें थोड़ा सा मैं ये फर्क करूंगा एक तो मुल्क और एक फिर हमें लगता है कि हमारे हमारे अपने भी वतन हैं जैसे आ, मुझे लगता है कि ये आ, सिंध मेरा अपना वतन है और अब ज़ाहिर इतने आ, इस मुल्क की पॉलिसीज़ इस मुल्क की प्लानिंग्स जो कर रहे हैं वो हमारे साथ हमारे थॉट्स के साथ वो लाइन ही नहीं होते उनको हमारा ख्याल हमारा ताट हमारा समाज हमारा कल्चर हमारी चीज़ें हमारी सोचने का तरीका तो समझ नहीं है। तो वेन आई सी दिस तो ऑफ़कोर्स मैं नहीं देखता हूँ कोई भी ऐसी अलाइनमेंट जब मुझे अपना मैं अपने इसकी बात करता हूँ वेन आई सी मैं अपने वतन की जब बात करता हूँ जब मैं सिंध की बात करता हूँ तो मुझे वहाँ पे अभी भी वो कहते ना सिंधी में कहते हैं अज माना अना रोजमा रड़ अचे थी माना अभी भी कहीं ना कहीं से आवाज आ रही है यहाँ पे अभी सब मोर नहीं मरे तो आई फील के मुझे फिर भी हमारे स, अ, समाज के अंदर अ, मुझे फिर भी कुछ होप दिखती है मैं मिलता हूँ ऐसे लोगों से ऐसे गांवों से ऐसे लोगों से जो दरियाओं से फितरत से पहाड़ों से लोगों से प्यार करते हैं वो अभी ऐसे तो वो उम्मीद देते हैं वो रोशनी देते हैं वो देते हैं वो वो हँसते भी हैं वो अभी आज भी लतीफ़े सुनाते हैं और छोटा सा आजकल की ज़िंदगी का मिसाल दूँ तो मैं जाता हूँ हम आपस में ट्रेड करे होते हैं जैसे मेरे पास बोर्ची है तो वो खाना बनाए तो कोई गांव वाला दूध दे के जाता है कोई वेजिटेबल जमीन उसे दे के जाता है ना मैं उनसे कुछ चार्ज करता हूँ ना वो मुझसे कुछ चार्ज करता है ऐसे एक्सचेंज हो रही होती है और काफ़ी काफ़ी हफ्ते से गुजर जाते कि जब हम एक दूसरे को चार्ज ही नहीं दिस इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग कभी कोई ओठार जा रहे होते हैं जो ऊट चढ़ाते हैं वो कभी कभी रुक के कहते चाय पिलाएंगे, पिए चाय तो बदले में वो ऊटनी का दूध देखे जाते हैं या गाय का मक्खन देखे जाता है कोई कोई बकरी का दूध लेके जाता है कोई ग्वार लेके आ जाता है कोई बाजर लेके आ जाता है और कुछ हम दे देते हैं तो ये बड़ा मज़ेदार सिंपल सिटी ज़िंदगी की दिखती है जहाँ पे रात को कभी भजन तो के गुजर जाते हैं कभी इसी तरह से पॉलिटिकल बहस होते हैं कभी इसी चीज़ों बेसते हैं सिंपल ज़िंदगी है कहने का मकसद ये जितना इंसान अच्छा, सिंपल होगा आसान होगा आसान सवाल है लेकिन मुश्किल है मतलब जिंदगी है क्या आपने क्या समझा इसको लेवल तो मैं वाकई इस पर नहीं सोचता हूँ जिंदगी को जहाँ जिंदगी के पर्पस को क्योंकि जिंदगी क्या है इसका मतलब है कि जिंदगी का पर्पस क्या है वै? अगर हम इसको और आसान करें तो इस पर मैं ज्यादा नहीं सोचता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जिंदगी का पर्पस कुछ है ही नहीं जब हम खुद इसे ज़िंदगी कह रहे हैं जिंदगी सोच सोचते हुए क्या ख्याल आता है या हम इसे अंग्रेजी में लाइफ क्यों कहते हैं वे यू इमेजन एटलीस्ट यू नो वेन आई इमेजन लाइफ जिंदगी इन टोटल तो मुझे बहुत सेलिब्रेशन कलर्स दिमाग में आते हैं लाइक like मुझे लगता है कि जैसे ना प्लांट्स उगरे हों उनमें से फूल निकल आते हों या डॉल्फिन्स दरिया से समंदर से यू you नो know, बाहर निकलें दे बैक या बर्ड्स उठते आए या तस्वर करें बहुत सारे लेके बजा रहे बहुत सारे लोग रक्स कर रहे सो so, जिंदगी कुछ इस तरह से आता है आती है माइंड में वो जो मोमेंट्स है यहाँ माना हर लफ्स के पीछे कुछ था कुछ ना कुछ होता है ना जो यू यू टेक अ वर्ड डिप्रेशन उसकी पूरी कहानी आ जाएगी आपके hmm. दिमाग में वो पूरा एक एक खाका बनाएगा hmm. जैसे लोग लोगों को आप कहेंगे कि खुदा क्या है उनके दिमाग में एक पिक्चर है उस पिक्चर को इमेजिन करते हैं hmm. किसी वो पिक्चर आप डिफरेंट मजहबों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट बुतों की शक्ल में देख सकते हो जिसके दिमाग में जो पिक्चर वैसा दे ट्राई टू करिएट और अगर किसी के पास वो पिक्चर बुतों की शक्ल में पेंट नहीं है तो उनके ख्यालों में जो पिक्चर है वो आ, किसी बूढ़े शख्स की है बट नैचुरली तो ये होता है कि हमारे उस इमेजिनेशन को पहले से ये ख्याल दे दिया जाता है हाँ कि भाई अगर हम देखें हम इस्लाम की बात करें तो उसमें एक खुदा का एक तस्वूर आ गया है कि वो क्या है वो दिख नहीं सकता वो नूर है वो जो वो 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 चीज़ें जो है वो पर्सपेक्टिव आपकी इमेजिनेशन बना देता है और इसी तरह बाकी मजाइब के अंदर भी जो है वो वो इस तस्वूर वो वेरी सिमिलर मिल रहा सेम सब सब सेम ही है मुझे तो वो दिखता ही नहीं है बिल्कुल सेम है तो आई I मीन mean, हर लफ्स के पीछे नो एक uh, कोई एक कहानी जुड़ी हुई है जो उस तरफ लेके जाती है तो वर्ड कम लाइफ मुझे लाइफ में इस तरह की इमेजिनेशनस आती हैं और जाहिर है उसमें पेन भी है उसमें सब कुछ है बट मैं उस वर्ड को अभी रिसेंटली समझाऊँ वो जो विटनेसर मैंने कहा इफ यू जस्ट रियली फील लाइक टू विटनेस ऑल दिस तो आप डिटेच हो जाते हो वैन यू बिगिन टू विटनेस तो आप की डिटेचमेंट हो जाती है हर उस चीज से हर उस शय से जो आपके लिए कॉज ऑफ सफरिंग बन जाती है फिर आप कुछ बेटर कर पाते हो जब लव में भी आप लिबरेटेड uh, होते हो फ्रीडम hmm. होते होता है तभी आप लव कर पाते हो अदरवाइज आप मालिक बन जाते हो पजेसिव बन जाते हो नहीं कर पाते हो पर हमारे यहाँ लव के पीछे पोजिशन को हाँ हम तो पोजेसिव होते हैं हाँ, जो चाहे प्यार के जज्बे को ले लें या हाँ। किसी भी जज्बे को ले लें ताल्लुक को ले लें चीज़ों को ले लें एक्सेसरीज़ को ले लें हम उनके बारे में पॉजिटिव होते हैं हम हम अपना आ, अगर मैं बात करूं मैं अपना कैफ्टेक को लेके पॉजिटिव हूँ yeah. कोई अपनी गाड़ी को लेके पॉजिटिव yeah. है तो वो पोजिशन है हाँ, तो लव हम हम उस तरह से लव नहीं क्या पाते सो माय पॉइंट इसके व्हेन वी बिकम विटनेस एटलीस्ट वेन वी ट्राई टू यू नो वेन वी थिंक इवेंचुअली वी अंडरस्टैंड तो विद दैट दैट विद यस डू यू थिंक कि मतलब ये डिटैचमेंट जो है वो अच्छी है क्योंकि आई एम इन दिस क्योंकि आपने ये बात छेड़ दी कि हमें एक्सपीरियंस नहीं करना उसको विटनेस करना है अगर मैं इस मोमेंट को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मैं महसूस कर रहा हूँ मैं इसका हिस्सा हूँ मैं इस पेन को मैं इस दर्द को मैं इस खुशी को मैं इस कैफ़ियत को महसूस कर रहा हूँ मैं इसका हिस्सा हूँ ठीक है अगर मैं इसको विटनेस कर रहा हूँ तो मैं इससे डिटैच हो रहा हूँ तो मुझे लगता है ठीक है एट सम पॉइंट्स एट सम सिचुएशंस विटनेस इज़ गुड बट एट सम पॉइंट्स और कुछ सिचुएशंस में शायद आपको उसका हिस्सा या उसको एक्सपीरियंस भी करना चाहिए हाँ देखो मैं ऐसे कह रहा हूँ कि जब हम ये कहते हैं जब हम ये बात करते हैं तब हम चीज़ों को ऐसे कह पाते हैं ना जैसे जैसे आप कह रहे हैं बट तब भी हम विटनेस ही कर रहे होते हैं Hmm. अगर हम ये सोचे कि ये जो हो रहा है हो तो रहा है जाहिर है मैं फील भी कर रहा हूँ महसूस भी कर रहा हूँ सब कुछ वैसे ही तो हो रहा है बट वेन यू जस्ट हैव दिस माइंड सेट ते यू आर विटनेस टू एंड एक्चुअली यू आर विटनेसिंग इट तो आप उस चीज को बेहतर देख पाते हो बेहतर समझ पाते हो बेहतर महसूस कर पाते हो वेन यू विटनेस इट डजेंट मीन अब आप उसको महसूस नहीं कर रहे हो तभी तो आप महसूस कर रहे hmm. per perspective change हो परस्पेक्टिव चेंज हो गया हाँ आई रिमेम्बर वन से यूज टू मेडिटेट तो उसमें हमें आ, जो टीचर या गुरु उसको लीड करता था वो हमें बहुत सारे प्रैक्टिस के बाद इस लिटरली इस फेज में लेके जाता था कि नाओ यू सी हम लेट जाते थे आँखें बंद करके कहते ना यू फील देट यू आर नॉट योर बॉडी गेट आउट ऑफ योर बॉडी एंड सिट नेक्स्ट टू योर बॉडी एंड लुक एट दिस वाह अगर हम आँखें बंद करके ये इमेजिन करते थे कि वी, तो 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 वी तो आर गेटिंग आउट ऑफ आवर बॉडी वाट अ थाट एंड हम सामने बैठ के उसको देखते और हम वाकई अपनी इमेजिनेशन में देखते थे और अब ये कोई और नहीं देख सकता ना hmm. ना ही मैं आंखें खोल के देख सकता हूँ मैं तो फॉर मोमेंट आई स्टार्टेड फीलिंग लाइक दिस यस सो इट वाज यू वी थिंक वी आर आवर बॉडी जब हम पेन की बात करते हैं तकलीफ की बात करते हैं बट वी आर नॉट जस्ट बॉडी You know, if we just begin to think this way. I am um, more than a body. Body being. Then this whole magic of life, this whole magic of Sindhagi, you know, appears more visible. Mm. Even when you. uh, I am just trying to make you imagine, <laughs> actually. Uh, mm. Like, the word magic, you know, when you when you just see even plants growing near you, it's very magical. Oh, yeah. If you see it with this, it's very. I sit in front of some mountains or river sometimes. So, jitne bhi ghante behte, wahan pe bahut kuch raha Pani ke sounds ya wind ke birds se, there's so much happens, and if you just begin to witness it it becomes more, you know, visible. it it creates more magic. it only doesn't mean that i'm to spiritual guru. this is to quote it. it's not only thing you. of course, we go to do our job. we do our things. we do so much, you know, in this. but this is very important to witness it and to connect with your own self. ना अपने आप से जुड़ेंगे तो ही आप विटनेस कर पाएंगे जब आप होंगे ही नहीं अपने आप से मिले ही नहीं है तो प्रेजेंट ही नहीं होंगे हाउ इट इज इवन इवन दिस दिस आइडिया आई बिगिन टू लव अट एंड आई फील इट्स इम्पोर्टेंट बिकॉज आई मैंने इसको भी ऐसे देखना इस 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 थॉट को इस तरह इस थॉट की लग्जरी को एंजॉय करना स्टार्ट किया तभी मैंने ये शेयर किया है और इस थाट के साथ अभी मुझे भी बहुत जाना है ताकि ये और मेरे आगे विजिबल हो बट सिंस न्यूली आई बिगिन टू सी दिस वे दैट्स आई एम शेयरिंग इट बट कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन ऑफ़ लाइफ तो मुझे लाइफ uh, जिंदगी जो है वो इस तरह से मिली hmm. है बट विद दिस यहाँ पे लाइफ के हमारे सारे मेटर्स हैं कभी हम चीज़ों को लेके uh, आपके सारे सवाल जितने भी हैं उस हर सवाल का आंसर हर सवाल का कंडक्ट अलग अलग है वो ब्रेन के पता नहीं किसी अलग अलग जगह से, से, से उसका जवाब आ रहा है अलग अलग तजुर्बे से वो तो चीजें आ रही हैं और फिर ऐसा जरूरी भी नहीं है कि ऐसे ही हो जरूरी भी नहीं है ऐसे ही हो। ये तो पर्सनल एक्सपीरियंस है हो सकता है ऐसे ना हो जैसे आप आवाज देख रहे हैं। so, oh, क्योंकि हम भी इवॉल्व हो रहे हैं ना यस yes, ये, ये गुफ्तु भी हमें yeah. एक तरह से इवॉल्व कर रही है उसको हमें कहीं ना कहीं किसी जगह हमारी सोच को हमारे देखने के अंदाज को हमारे परस्पेक्टिव को जो है वो वो उसको जो है वो इवॉल्व कर रहे हैं बट इट इज वेरी इम्पोर्टेंट टू वॉच योर था वेरी वेरी इम्पोर्टेंट द मोर यू वॉच द मोर यू नो कि आप आप अपने ख्याल ही है ना आप और मेरा भी रिश्ता ख्यालों का ही है हुँ। हुँ। हमारे रिश्ते जो होते हैं वो ख्यालों के ही होते हैं होते हैं हाँ हमारे हाँ। ख्यालों के रिश्ते हैं हमारे ख्याल ही हमें नहीं, आप... नहीं 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 आई लव दिस परस्पेक्टिव और ये जो जिंदगी की नई एक फिलासफी और नया एंगल जो अभी ऐड हुआ है मुझे याद है आ, जो हमारी एक मुलाकात थी उसमें वी हैव डिस्कस्ड ओशो काफ़ी ज़्यादा एंड आई थिंक के यू यू वर लाइक बड़े पैशनेट फॉलोअर रहे हैं आप उस एम आई स्टिल लव इट हाँ दे आर दे आर दे आर थिंग्स दे आर पीपल दैट यू लव हम्म उसकी व्हेन यू लव समन तभी uh, आप आपको कई कई किसी बात पे एग्री करें किसी बात पे डिसएग्री करें ये फाइन है दैट्स परफेक्ट right. ये एक ये अवेयरनेस की निशानी भी है कि आप अवेयर हो तभी आप किसी चीज़ को डिसएग्री पर साथ साथ आप वो अपना प्यार का रिश्ता भी बनाए रखते हो तो मुझे उसके साथ वो अपना रिश्ता प्यार का लगता है और अगर मैं किसी से डिसएग्री करूँ भी माना किसी डिजर्व आदमी से डिसग्री करो जो कि फर्स्ट करिए कोई फार्मर है मैं पहले फार्मिंग जानू तो मैं उसे डिसग्री 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 कर सकता हूं। ऐसे तो नहीं है मैंने चार दरख लगाए दस फूल लगाए और मैं कहूं भाई अब मैं तुम्हें बताऊंगा <laughs> तो मुमकिन नहीं है ना हमें विथ प्रोसेस चीज़ें समझ सकता हूँ बट एक है ही फार्मर और मैं तो भी माली भी नहीं हूँ mm. कैसे हो सकता है सो mm. so, ओशो के साथ जब मैं उसकी मेरे अलग अलग मूड्स में बहुत सी ऐसी चीजें जो मुझे लग रहा होता है हाँ ट्रिफटेक्स में और कुछ चीज़ें से मुझे लगता है कि नहीं ऐसे नहीं बट फिर वो भी एक प्यार के रिश्ते की तरह होता है डू यू एनी फियर Uh, मुझे लगता है कि ज़रूर होंगे फेयर्स ज़रूर होंगे और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं फेयर तो वैसे फेयर ही है हाँ खौप. <laughs> खौप ही है और ज़रूर होगा आई एम श्योर sure ज़रूर होगा पे, पे, मुश्किल आई I मीन mean, के चले नहीं जाते हम इस तरफ डू यू फील के जो आप करना चाहते थे आप उस रस्ते पे हैं और आपने कर लिया है मतलब वो एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलती है किसी हद हाँ तक uh, 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 uh. मेरे ख्याल में कि हमारी डिजायर्स बहुत हैं बहुत हैं और इन माय पर्सनल लाइफ ये मैटर करता है कि किस वक्त कौन सी डिज़ायर ने मुझ पे हमला किया है हावी हुई है हाँ और अगर वो मुझे लगे कि पूरी नहीं हुई तो, तो मैं कहूँगा ना कि मैंने क्या आ, पाया ऑलवेज थिंग लाइक और जैसे वो शायरी थी कि हम अधूरे हैं अधूरे हम और हम कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकते हमेशा अधूरे रहेंगे एटलीस्ट जिस तरह की मेरी अपनी जात है वो मुझे नहीं लगता कि कभी मुकम्मल होगी और और हो भी क्यों जो ना मुकम्मल है वो खूबसूरत है जो मुकम्मल है वो तो डेड है बाँग बाँग। तशनगी तो रहनी चाहिए ना हाँ तो ये अच्छा है अधूरा होना अधूरा रहना अच्छा है और सेटिस्फिकेशन ये भी मुझे लगता है वेरी करता है मुझे ऐसा लगता है द मोमेंट एक्सप्रेस द मोमेंट मुझे लगता है कि ये मैं ऐसे ही महसूस कर रहा था जो मैंने कहा है और द मोर आई होल्ड इट द मोर आई एम अनसेटिस्फाइड हाँ ट्रू दैट द मोर आई टेक इट आउट एंड एक्सप्रेस मुझे लगता है मैं ईजी हो जाता हूँ mm. भले वो किसी के साथ झगड़ा क्यों ना हो या प्यार क्यों ना हो ये दोनों चीज़ें जब मैं खुल के इजहार करता हूँ तो मैं उनको तो mm. सेटिस्फाइड महसूस करता हूँ और वो जो होल्ड करने हैं वो फिर तंग भी करता है अंदर लाइक आप अपने साथ ही कर रहे हो Uh, you are, एक बर्डन है जो आप लेक, लेके चल रहे हैं। अच्छा लेकिन चले एक शायरी तक तो हमें समझ आता है ठीक है हम उसको एंजॉय भी करते हैं लेकिन वो भी तो तंग करता है ना अधूरा अधूरा इश्क आ... नहीं हम तो कहीं तो चाहते हैं मुकम्मल हो या मधुरा ही रखना चाहते हैं मुकम्मल किसको कहेंगे हम आपसे सवाल करता हूँ मैं मुकम्मल अगर चलो आप ही के लफ्ज़ किसी को कर किस देखिए मुकम्मल का भी तो अलमिया ना मैं देखें मुकम्मल पा लेना जिस जैसे हम डिज़ायर्स की बात कर रहे हैं ख्वाहिश की बात कर रहे हैं कि ये ख्वाहिश है इसको पा लिया उस डिज़ायर को हासिल कर लिया वो एक हम कहते हैं कि हाँ जी मुकम्मल हो गया और मुकम्मल होने के बाद वो ख़त्म हो गई या। ये एक और ट्रेजेडी है उससे बड़ी ट्रेजेडी है उससे बड़ा आलमी है या। <laughs> कि जब मुकम्मल हो गया तो फिर आप फिर एक और क्रिएट हो जाएगी दिस इज व्हाट ह्यूमन नेचर इज लेकिन वो जो अधूरा पन है वो भी तो तंग करता रहेगा ना हमारी जो, हमारी जो फितरतन हमारी जो जो नेचर है उसके अंदर है उसके अंदर ये जुस्तु, जु, ये जुस्तु जु है ये कोशिश है कि हम उसको पाए उसको मुकम्मल करें और फिर मिल जाए तो फिर चल पड़े मकसद प्यास पूरी हो और थोड़ी भी ना रहे अच्छा लाफ इस्तेमाल किया और फिर प्यास लगेगी मुकम्मल तो नहीं, नहीं होगी फिर लगेगी हम्म तो आप आधा गिलास पिए पूरा पिए दो पिए <laughs> 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 uh, uh, फर्क नहीं पड़ता ना किसी किसी चीज को पा लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता uh. क्योंकि uh, जब वो फुल होगा तो वो छलकेगा मतलब फुल नहीं होगा वो uh. छलकेगा और हम समझ रहे होते हैं कि किसी और चीज को पाके हम अपने आप को मुकम्मल करेंगे ये मुझे लगता है ये अप्रोच सही नहीं है हम किसी भी चीज को पाके हासिल करके मुकम्मल नहीं कर सकते कर नहीं सकते अपने आप को नहीं कर वो अब हमारे अंदर नहीं समाएगी मुमकिन ही नहीं है और जो को मुकम्मल करते हैं आई थिंक वो ज़िंदगी तो मुकम्मल है नहीं नहीं मैंने वही कहा ना कि मुकम्मल तो कुछ होता ही नहीं है ना वो डिज़ायर मुकम्मल होगी वो ख्वाहिहिश की शायद आप तकमील करेंगे तो और ख़्वाहिश चाहिएगी और ख्वाहिश चाहिएगी वो उसी प्यास की तरह है हाँ कि वो फिर से तलब होगी और वो तलब तो ख़त्म नहीं होगी और वो शायद तलब रहनी भी चाहिए वो जस्तुजू जो, जो है वो वो रहनी भी चाहिए रहेगी तो एक फायर है ना नहीं रहेगी तो टॉकिंग टू uh, अगर किसी के अंदर वो हो ही ना तो वो तो बहुत uh, वो शोला ना हो वो फायर ही ना हो ऐसा भी तो होता है ना कि यानी कि वो पा के उसमें और इजाफा होता जाता है वो जस्तुजू बढ़ती भी जाती है हाँ yeah. ये भी तो होता है एक्चुअली मैं पॉइंट इस के यूर राइट वट यूर सेंग पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम रहते फिर भी अधूरे हैं अधूरे हैं दैट सो ट्रू जो आप कह रहे हो कि वो पा के और आगे चलना है तो इसका मतलब अधूरे अभी और आगे हाँ हाँ आई सी दिस हाँ ट्रू आई सी दिस वे टू बट लेकिन कहने का अंदाज चाहे जो है वो मुख्तलिफ है अच्छा चलें इसी पाने के ऊपर हम आ, अपने उस इसको समप करते हैं इस सारी चीज़ को तो आज जो एक नफसा नफसी है और एक सब कुछ पाने की जस्तजु है और अगर हम एक आर्टिस्ट के पर्सपेक्टिव से बात करें और वो चाहता है कि मैं ये भी हासिल कर लूँ मैं ये भी हासिल कर लूँ मुझे शोरत भी मिल जाए मैं मेन स्ट्रीम का हिस्सा भी बन जाऊँ मेरे पास दौलत भी आ जाए और ये सब कुछ आ जाए लेकिन फिर भी दिस वो खालीपन है उनको क्या आप एडवाइस करेंगे क्या करें वो मैं तो बहुत क्रेज देखता हूँ ये आई थिंक हमने जो कन्वर्सेशन की है उसमें हमने जरूर इस तरह की चीजों को भी एड्रेस किया है hmm. अगर मैं जनरली कहूँ, इन जनरल विदाउट एडवाइजिंग एनी वन अगर हम किसी को लाइक like इस सारी कन्वर्जेशन के बाद जैसे पहला सवाल दूसरा सवाल तीसरा सवाल ऐसा ऐसा मुझे खुद भी फील होने लगा कि, यू नो इवन, ईल आई नो वट आई हैव टू टू शेयर ऐसा ऐसा हम जितना बोलते जाते हैं उतना लगता है कि हम खाली हैं खाली है। मुझे ऐसा लगता है कि आ, धन दौलत पैसा शोरत ये होना बुरी चीज़ नहीं है ये अच्छी चीज़ है और इसके साथ अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है अगर ये सब चीजें विदाउट अवेयरनेस है तो तो ये शैलो है एक है uh, हाँ like uh, uh, अगर नहीं है किसी चीज के अंदर hmm. uh, अगर वो डीप नहीं है तो वो सस्टेनेबल नहीं है इवन hmm. डेवलपमेंट भी सस्टेनेबल होनी चाहिए हम्म hmm. hmm. तो आपके पास धन दौलत पैसा शोरत सब है पर आप अपनी जात में हैं खोखले हैं तो यू वॉन्ट इंजॉय ऑल दिस बट अगर हम इसको एक और और क्लेरिटी से देखें अगर किसी को ग्रीड ही दौलत की है अवल तो हो ऐसी mm. बात है कि हम जिंदगी अफोर्ड करें आई ऑलवेज लुक फॉर मटीरियल मटीरियल स्परिचुअल रियालिटी बोथ इन माइर लाइफ कि आप जिंदगी को अफोर्ड भी कर सकें mm. कि आपका दिल करे जहाज में बैठने को पैसे तो mm. जहाज में बैठ के कहीं जाए mm. पैसे ही ना हो तो क्या करेंगे mm. <laughs> और ख्वाहिश आपके पास गाड़ी अच्छी क्यों ना हो ना आपके पास घर अच्छा क्यों ना हो ना आप किसी अच्छे होटल में जाके खाना क्यों ना खा सक पर आप में ये ढंग भी हो कि आप होटल में जाके रह सके तो आप जंगलों में भी बैठ सकें ना। ना। इत, इतनी डेप्थ होनी चाहिए आप दरियाओं में भी तैर सकें अगर स्विमिंग पूल में नहाते हैं तो दरियाओं में भी आप इतना तो होना चाहिए गहराई पर अगर सिर्फ धन दौलत फेम के पीछे है तो आई वेरी यू नो है क्लैरिटी हम कुछ देर पहले ओशो पे बात कर रहे थे आई रीड वन ऑफ इस वेरी पावरफुल मैंने उसका एक लेक्चर सुना उसकी एक लाइन है इसका जवाब है hmm. कि ये एक रेस है एक रेस ऑफ ग्रीड है जो कि हर उस पे सवार उस रेस के अंदर दौड़ना चाह रहा है पॉलिटिशन हो वो आर्टिस्ट हो कोई भी हो एक्सेट्रा बिजनेसमैन हो चुके इस रेस को कोई जीता ही नहीं आज तक सब भागते जिस रेस में भागना हो वो थक जाता है नहीं। नहीं। वो थक के गिरता है और जो उसके पीछे आ रहा है वो उसको उसके ऊपर चढ़ के भागता है Hmm. वो ये थक के गिर जाता है और पीछे पता नहीं कितने भाग जाते हैं अगर ये उठा भी तो पता नहीं कितने भाग चुके हैं hmm. ये तो कोई ना जीता है ना कोई जीतेगा सो इट इज गुड के हम जस्ट रिपीटिंग फ्रॉम सो मेनी क्वेश्चन एंड के वी मस्ट वॉच अवर था वी मस्ट मेडिटेट इन लाइफ और हम फितरत के दोस्त बने इन पहाड़ों के दोस्त बने इन नदियों के दरियाओं के इस हवा के इस सारी प्लेसिंग को हम थैंक यू कहें जिंदगी में और फिर वी मस्ट ये अवेयरनेस फील यू नो डेफिनेटली वो विटनेसर वाला दिया तो जलाएगा और अगर हम इफ यू आर नाट थैंकफुल टू ऑल दिस जस्ट टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड सो मेरे ख्याल में हम फिर फजूल हैं वैसे ही फजूल है पर वैसे तो ज्यादा ही फजूल है <laughs> अगर हमें ये अवेयरनेस नहीं है hmm. ये रे, रेस ना कोई जीता है ना जीतेगा hmm. तो इट्स गुड टू हैव मनी इट्स गुड टू हैव एवरी थिंग यू वॉन्ट इन योर लाइफ बट उस रेस का हिस्सा ना बने हाँ उस रेस का हिस्सा ना बने यू शुड बी फॉलो योर हार्ट या जो जो भी जिस तरफ भी आपका दिल आपको लेके जा रहा है आपकी रूह आपको जिस तरफ खींच रही है आप उसको फॉलो करें <laughs> एक अवेयर आदमी एक कॉन्शियस आदमी ये समझ पाता है कि वो जिस राह पे चल रहा है वो वहां पे चलना भी चाहता है या नहीं hmm. you understand? Hmm. एक कॉन्शियस एक अवेयर ही समझ पाएगा ना, hmm. कि वो जो कर रहा है वो 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 चाहता भी है कि नहीं अच्छा अब इस सवाल से के निकल गया मुझे अक्सर ऐसे आई वुड से अवेयर अवेयर लोग मिलते हैं जिनकी जो उम्र के इस हिस्से में होते हैं कि जिंदगी गुजार ली और फिर कहते हैं कि यार हमें करना तो कुछ और था और हम हमेशा से चाहते भी वही थे लेकिन हमने किया कुछ और तो वो कैसे अवेयर लोग होते हैं जिनको सारी जिंदगी पता होता है कि हमने करना तो कुछ और था बट हमने किया कुछ और ऐसे मुझे लगता है कि हम आ, ये तो रिग्रेट ज़िंदगी में हर किसी को रह जाता है लाइक like, हम कितनी भी बड़ी बातें आ, करें या अकलमंदी की बातें करें या किताबों में पढ़ी हुई बातें करें सुनी हुई बातें करें इवेंचुअली हम जब ये डिस्कशन नहीं करते बहुत सारे लोग आम जिंदगी में एहसास हमें भी होता है कि काश मैं ये कर लेता काश मैं वो कर लेता so सो आई थिंक इट्स अच पार्ट ऑफ एवरीबडीज लाइफ इन life life और सवाल इससे ये आता है मेरे माइंड में कि हमें इसको रिग्रेट करना चाहिए या रिग्रेट नहीं करना नहीं चाहिए करना चाहिए या जीना चाहिए जिंदगी mm. का आई डोंट थिंक सो कि जिंदगी का कोई भी हिस्सा कोई अन है हम जिस फेस में हैं जिस जिस जिंदगी के हिस्से में वो इम्पोर्टेंट है जो गुजर गया है वो तो वाकई नहीं आना है hmm. और जो ज़्यादा हम आगे सोच रहे हैं वो भी आपके मेरे बस में तो नहीं है जो है वो ये पल है यहाँ हम चल रहे हैं मैंने आ, किसी को पढ़ा था कि इंसान जो है वो क्योंकि माजी को बहुत जीता है उसके बनाए हुए सारे खुदा भी उसके माजी के हैं और उसके सारे नज़रिए मेनली जो पॉपुलर नज़रिए वो भी माजी के हैं माजी से ही ड्राइव हो रहे हैं और वो माजी से उसको इशारा दे रहे हैं मुस्तबिल का तो वो पीछे भी जाना चाहता है और आगे भी आंख लगाए हुए पीछे से भी पकड़ा हुआ है उसको आगे जो बीच का सफर है जो चल रहा है उस पर उसकी तवज नहीं है जो के सच है जो के उसके पास है जो चल रहा है है वही जिस मोमेंट में प्रेजेंट है वो प्रेजेंट भी और मूविंग भी मूविंग भी हाँ रियलिटी वही है ना वी ऑलवेज मूव ऑन वी नेवर हेड आंसर ऑफ एनीथिंग जैसे ही हमारी गुफ्तु आप माजी हो गया आ, पहला सवाल अगर दोबारा होगा तो बोर फील होगा राइट हाँ तो Um, हमें किसी चीज का आंसर मिला नहीं है ही, ही. कोई कहे कि मैं काश ये करता मैं वो कर हमें आंसर मिले नहीं आज तक हमने सवालों को पीछे छोड़ा है हमेशा और हम आगे गए नो वी डालना से आगे जाना मीन्स वी मूविंग और फिर हमें नए सवाल मिले और फिर उसके आंसर नहीं मिले एटलीस्ट hmm. मेरी जिंदगी में तो यही हुआ मेरे साथ एंड अगेन वी मूव ऑन सो आई थिंक इट इज बेटर वी वी वॉन्ट टू नो एंड वी नो वी रिग्रेट कि मैंने क्यों जाना जाना हालांकि hmm. पक्का नहीं है कि क्या जाना कितना hmm. जाना वो hmm. था कि नहीं बट वी इवेंचुअली रिग्रेट सो बेटर वी मूव ऑन जिसका जवाब मिलना नहीं है कि है नहीं बाजुकात जो आगे ही है जो जानना है वो भी अजाब हो जाता है अल्लाह के वो अकल ना दो जिसे जान जाऊ और फिर दुख दुख मिले वाह 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 क्या बात है साई थैंक यू सो मच सलामत रहे खुश रहे और मेरा ख्याल है कि हमारी गुफ्तु जो कि शायद चंद लम्हों की थी काफ़ी तवील हो गई और मिलेंगे फिर जल्दी